मैंने बोला था मैं आपको मैं मुझे हीरोइन बनना था इस बट देन अगर शादी हो गई तो फिर क्या होगा. आईने में देख के मैं डायलॉग्स रिपीट करती थी. मैं सोचा नहीं था कि मैं कभी इतनी हिम्मत कर पाऊंगी कि मैं बॉम्बे आऊँ और मैं एक्टिंग करियर स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली शायद मैं इतना कॉपी करने लगी सब बोलने लगे मैं प्रीति जिंटा जैसी दिखती हूँ. बचपन तो मैं कार्टून ही देखा करती थी. ऑनेस्टली बचपन से ऐसे में. इस समय हमारे साथ मौजूद है रिया शर्मा यानी कि तारा. तो तारा, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी को जानना चाहूँगी कि आप बचपन से ही इस तरह से एक आर्टिस्ट बनने का एक सपना था, क्योंकि जो प्यार आपको दर्शकों से मिल रहा है, आपके लुक को मिल रहा है, किरदार को मिल रहा है, आपने ऐसा सोचा? ऑनेस्टली बचपन से ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि जो मैं करती हूँ, आई टेल यू वॉट मैं क्या करती थी, बट दैट इज़ कॉल्ड एक्टिंग, यू नो. मुझे याद है मैं जब 5 साल की थी, मुझे सब बताते हैं, मुझे पूछते थे मुझे क्या बनना है बड़े होकर, तो मैं बोलती थी मुझे हीरोइन बनना है, बिकॉज आई वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड, आई वॉज सो अट्रैक्टेड बाई वॉट आई सॉ ऑन टी वी, यू नो, ऑल दी एक्टर्स. मुझे याद है मैं बचपन से ही अकेले में बड़बड़ाती थी, आईने में देख के मैं डायलॉग्स रिपीट करती थी. आई लव्ड स्टेज, आई लव्ड ऑडियंस, आई वॉज नेवर नर्वस एज यू नो अ गर्ल, बिकॉज बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हो जाते हैं. आई नेवर हैड दैट इन मी. जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ें, मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें सोचना शुरू किया, एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इतनी हिम्मत कर पाऊँगी कि मैं बॉम्बे आऊँ और मैं एक्टिंग करियर स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं सब लोग, यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड. आई एम द ओनली एक्सेप्शनल केस, बट आई थिंक मेरे डेस्टिनी में लिखा था. ऑल ऑफ अ सडन मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे, अरे बाप रे, एक सेकेंड, हाँ, तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक डायरेक्टर का फ़ोन आया. ही कॉल्ड मी, ही सॉ माई पिक्चर्स. मैं फोटोशूट्स बहुत कराती थी, ब्यूटी पैजेंट्स में मैं पार्ट लेती थी, एंड ही वॉज लाइक फियर फाइल से कहता था सी पे फॉर द लीड. अब मैं ऑडिशन बना रही हूँ तो मेरा ऊपर पंखा दिख रहा है, मेरी शक्ल इतनी दिख रही है, मुझे ये भी नहीं पता था, बट आई डिड इट एनी वे, एंड इट वॉज सो काइंड ऑफ द डायरेक्टर दैट ही एक्चुअली सिलेक्टेड मी ऑन दैट, उस वीडियो के बेसिस पे. I went on the set and I just did it. And तब से मेरी journey शुरू हुई. You know, things happen. So I just became an actor. I still can't believe that I'm right here, standing right here in this costume, in this wig, in front of you all. It's surreal. तो जब आप 5 साल की एज उम्र में थी तभी आपने बोल दिया था कि मुझे अभिनेत्री, मुझे एक एक्ट्रेस बनना है. तो कौन सी वो स्टार कास्ट थी जिसे आप फॉलो करती थी या जिन्हें आप देख कर लगता था कि हाँ मैं इनके जैसा बनना चाहूँगी? मुझे 5 साल की एज में तो याद नहीं है, तब तो मैं कार्टून ही देखा करती थी. पर जैसे जैसे बड़ी हुई, मुझे आई डोंट नो, आई हैव दीज फ्लैशबैक्स ऑफ शाहरुख खान्स मूवीज़, यू नो, आई हैव दिस फ्लैशबैक काजोल लाइक डूइंग देयर थिंग्स. मेरी मम्मी इज़ अ वेरी, शी इज़ अ लेक्चरर, तो वो उनको टीवी सीरियल्स में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे मैं मेरे रिलेटिव्स के यहाँ जाती थी तो वो जैसे लाउड रिएक्शंस नहीं होते थे, क्या क्या क्या, आई यूज़ टू कॉपी दैट, एंड आई रिमेंबर मैं प्रीति जिंटा को बहुत बहुत ज़्यादा कॉपी करती थी, और शायद मैं इतना कॉपी करने लगी सब बोलने लगे मैं प्रीति जिंटा जैसी दिखती हूँ, बचपन में बोलते थे. सो शी वाज माय. तो काजोल और शाहरुख को देखकर आप जिस तरह से आपने बता रहे थे, तो लाइक प्रीति जिंटा, ऑनेस्टली तो रियली अगर देखा जाए वन साइड, तो आप प्रीति जिंटा जैसे लगता है ये कभी? ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट कभी मिला है आपके फैंस से? हाँ, मुझे बहुत बार बोला है. आई विश ऐसा होता सच में, बट बोला तो है, मैं उसी पे खुश हो जाती हूँ, बिकॉज ओ माई गॉड, प्रीति जिंटा, आई मीन व्हाट डू यू मीन, शी इज़ माई फेवरेट, शी इज़ माई फेवरेट ऑनेस्टली. आई विश मुझे ऐसा लगता कि मैं थोड़ी बहुत भी उनके जैसी दिखती हूँ, बट मुझे लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर दे, फेक कॉम्प्लीमेंट भी कर दे, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ. सो या. तो रिया से तारा तक का जो ये सफ़र था, कितना ज़्यादा इजी था या फिर मुश्किल था? क्योंकि बहुत सारे स्टार कास्ट की जब हम स्टोरी सुनते हैं वो यहाँ आते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद उन्हें तो भी काम नहीं मिल पाता, लेकिन रिया के लिए कितना इजी रहा तारा तक पहुँचने का सफर? बिल्कुल इजी नहीं था, ऑनेस्टली इट वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ टीयर्स, लॉट ऑफ लाफ्टर टू, नॉट जस्ट टीयर्स, बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट बिकॉज I have seen people struggling more than me, you know. तो मैं बस वो चीज़ को लेकर चलती हूँ. I have been a little whiny जब मैं आई थी इंडस्ट्री में, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट आई फॉरगॉट दैट जस्ट ब्रीदिंग वॉज, यू नो, अ लग्जरी नाउ अ डेज.
एंड जस्ट यू नो आई थिंक दैट्स हाउ लाइफ शुड बी, दैट्स हाउ द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग शुड बी. तो काफ़ी एक्सपीरियंसिस के बाद, काफ़ी ठोकर खाने के बाद ही आई थिंक आई एम इन अ सॉर्टेड प्लेस राइट नाउ. बट ऑब्वियसली इट हैज़न्ट बीन इजी ईजी एंड आई एम ग्लैड. अगर वो ईजी होता ना तो मैं आज ऐसी नहीं होती जैसी मैं हूँ. एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑनेस्टली. मुझे अच्छा लगता है मेरा, मुझे ये बात अपने बारे में अच्छी लगती है कि मेरा दिल कैसा है. यू नो मैं कितनी इंटेंस हूँ या मैं कितनी इमोशनल हूँ. पहले मुझे लगता था मैं क्यों हूँ, बट अब मुझे लगता है थैंक गॉड मैं हूँ. आई लाइक हाउ आई थिंक अबाउट पीपल, आई लाइक हाउ आई फील यू नो सो डीपली. सो डेफिनेटली बहुत हार्ड था, मैंने स्ट्रगल किया, मुझे बुखार होता था, मैं तब भी ऑडिशन करती थी. बट उससे मुझे पता चला कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं वीक नहीं हूँ. एंड हियर आई एम. और इतना स्ट्रगल करने के बाद जब यहाँ आई हूँ ना, तो एवरी डे जब गाड़ी से आती हूँ वो भी अप्रिशिएट करती हूँ कि गाड़ी है, खाने के लिए 2 रोटी है, छत है, मेरे भगवान मेरे साथ है, मुझे रोज़ मैं आ पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ, सब इतने अच्छे बेहतरीन लोग मेरे आजू बाजू है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. तो रिया को दर्शकों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी आपके अगर मैं देखूं इंस्टा एंड ऑल पे. तो आगे आने वाले समय में अगर किसी मूवी या किसी के लिए ऑफर आता है तो क्या रिया उसके लिए रेडी होंगे डेब्यू के लिए? मैं तो मर रही हूँ कब से मूवी के लिए. आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वेबसाइट एंड यू नो वो जो सिनेमा होता है, मुझे उससे हमेशा से रहा है. मैंने बोला था मुझे हीरोइन बनना था. And I want to do that, you know, so strongly. मेरा दिल है वहाँ, but I've just been so fortunate कि मुझे तारा जैसा किरदार मिला, मुझे इतने शोज़ करने को मिले. अभी एक्सपीरियंस लेकर जब मैं वहाँ जाऊँगी तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा. यू नो आई बी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट. सो आई एम ग्लैड, आई जस्ट होप दैट वो भी पड़ाव जो मेरी ज़िंदगी का है वो जल्दी आए. तो रिया, जब आपने मुंबई आने का डिसीजन लिया तो किसका सपोर्ट रहा घर में और किसने रोका कि नहीं जाना है इसमें? ऑनेस्टली माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. मेरी मम्मी स्पेशली बहुत सपोर्टिव थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे याद है, सो माय नाना वाज लंदन रिटर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड मुझे मम्मी बता रही थी कि शी वॉन्टेड टू गेट इन टू यू नो शी वॉन्टेड टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड शी वॉज इंटरेस्टेड इन पार्लर एंड स्टफ. बट माई नाना सेड नो because he wanted her to do something nice, you know, become a lecturer or professor and handle our college. But so meri mummy ke us experience ki wajah se meri mummy ne mujhe nahi roka, you know. She was like, what does your heart say? And instantly mujhe aisa laga agar maine aaj is offer ko mana kiya, jo mujhe first offer aaya tha, main zindagi bhar regret karungi. I was scared. I was like, what if I don't make it? To mujhe nahi karna. My mom was the one who pushed me into this. So agar wo nahi bolti to main aaj yahan nahi hoti, you know. So I think it's majorly because of my mother, majorly, but all of them were supportive equally. आज के सीन की बात करें तो ध्रुव के लिए जिस तरह से रिश्ता आया है तो क्या लग रहा है? तारा कितनी दुखी है इस पास? तारा दुखी है क्योंकि ध्रुव को शादी नहीं करनी है, इसीलिए नहीं क्योंकि उसको शादी करनी है. उसको प्यार नहीं है ध्रुव से. शी जस्ट लाइक्स ध्रुव एज अ ह्यूमन बींग, बिकॉज ध्रुव की जो एक्शंस रही है तारा के टूवर्ड्स, इट हैज़ बिन वेरी काइंड. यू नो शी रियलाइज दैट इवन दो ही डजेंट बिलीव इन गॉड, इवन दो उसके थाट्स और उसकी पर्सनैलिटी उससे टोटली ऑपोजिट है, ही स्टिल रिस्पेक्ट्स ताराज ओपिनियंस. यू नो ही डजेंट डिसरिस्पेक्ट हर, ही इज़ हेल्पिंग हर आउट. Even though he doesn't even believe कि नवरंगवन जैसी you know time travel करके जैसे बताती है, तो I think उसको बस बुरा लग रहा है. उसको अभी बस उसको लेके भाई जी के पास जाना है. That's what whole Tara's narrative is. But then अगर शादी हो गई तो फिर क्या होगा? ध्रुव को तो करनी ही नहीं है शादी. I am really liking you know there are it's not just the show is not focusing on one drama. It's a lot of drama happening. मुझे भाई जी के पास जाना है, ध्रुव को शादी नहीं करनी है, माँ जी की नज़र मुझ पे है, वो मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है, एंड देन अगेन ध्रुव और तारा अनलोइंगली क्लोज आ रहे धीरे धीरे. सो या